अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो चीज़ बॉल। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो पोटैटो चीज़ बॉल बनाने के लिए हमने यहाँ पर उबले हुए आलू को कद्दूकस कर लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर हमने लिए प्याज, धनिया की पत्ती, कॉर्नफ्लोर, मैदा, ब्रेड क्रम्स, कुटी काली मिर्च, भुना कुटा ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, मिर्ची, चीज़ क्यूब। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, सारे मसाले, कॉर्नफ्लोर, धनिया की पत्ती। यहाँ पे हमने चीज़ को कद्दूकस कर लिया है। आपके पास अगर चीज़ क्यूब अवेलेबल चीज़ अवेलेबल नहीं है तो बेशक अपना डालें, आप सिर्फ आलू से भी बना सकते हैं। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। यहाँ पे हमने इसे मिक्स कर लिया और छोटे छोटे जो हैं वो बॉल, इसके बॉल बना लेंगे। बॉल यहाँ पे हमने बनाकर रेडी कर लिए। अब ये जो मैदा था हमारे पास, उसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और पानी डाल के अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। आपको दिखाते हैं कि कैसा पेस्ट तैयार करना है। ये यहाँ पे हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम अपने बॉल को इस पेस्ट में ऐड करेंगे, अच्छे से इसको डिप करेंगे इसके अंदर। उसके बाद इस पर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, अच्छे से इसकी कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स की। और ऐसे ही हम सारे बॉल्स को पहले मैदे में, फिर मैदे के पेस्ट में, उसके बाद क्रम्स में लपेट लेंगे। तेल हमने यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल गर्म हो चुका है। अब अपने चीज़ बॉल को फ्राई करके आपको दिखाते हैं। फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम रहेगी, बहुत हाई ना रहे, क्योंकि बहुत जल्दी क्रम्स जो है वो काले हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसा गोल्डन सा कलर आ गया है, कितना प्यारा सा। ये हमारे तैयार हो गए हैं। ऐसे ही अपने सारे फ्राई कर लेंगे। इसे हमने बना लिया है, आप इस डिश को ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद हमें बताइएगा कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।